ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं लगातार आपको खबरें दिखा रहा हूं मुमरा की, जो बाढ़ की हालात, जो स्थिति बनी हुई है, हम उसको लेकर आपको खबरें दिखा रहे हैं, जो है स्थिति बता रहे हैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से। इस वक्त हम मुमरा स्टेशन पर हैं, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। एक नंबर प्लेटफॉर्म के पास यानी बगल में 600 झोपड़े हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। कल तक ये झोपड़े पानी में डूबे हुए थे और आज भी डूबे हुए हैं। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं पानी में डूबे हुए हैं आज, और अब जाकर कहीं ना कहीं पानी की बाढ़ यहां पर कम हुई है, और अब जाकर झोपड़े दिखाई दे रहे हैं। इन झोपड़ों में रहने वालों के लिए कल सुबह से मुश्किलें खड़ी हो गई थी, आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन ये लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए हैं, पूरी रात गुजारी है, जो है 48 घंटे का समय बीत चुका है। और ये लोग जो यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं, लगभग 600 लोग जो झोपड़े में रहते थे, वो लोग अब यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पर रात भर गुजारा किए हैं, और इनके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इन लोगों को। और ये बाढ़ जो है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये बाढ़ अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थमती हुई नज़र आ रही है। जिनके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए, जिनके घरों में पानी समा जाए और उन्हें घर छोड़कर भागना पड़े, उनके लिए कितना बड़ा सदमा है। कल की जो बाढ़ थी वो काफ़ी डरावनी थी, किसी खतरे से खाली नहीं थी। बाढ़ के चपेट में लगभग 10,000 से ज़्यादा झोपड़े आई हैं, कई लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। हम आपको स्टेशन के घरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे पीछे ये तस्वीरें हैं स्टेशन के बगल के, जो 600 झोपड़े हैं, आप देख कर खुद अंदाज़ा लगा लेंगे आखिर इन गरीब मजदूर का कितना नुकसान हुआ होगा। यहाँ के जो लोग थे कल पूरी रात अपने कीमती सामानों को लेकर यहीं स्टेशन पर बैठे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब यहीं रात गुजार दिए हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये वो चाल है, ये वो झोपड़े हैं 600, कल पूरी रात अपने कीमती सामानों को लेकर यही स्टेशन पर बैठे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब यही पर रात गुजार दिए हैं। पता है गरीबों को क्या पता, अमीरों को क्या पता है कि ये लोग कैसे किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वो तो बंगले में ऊंची ऊंची इमारतों में हैं, उन्हें क्या महसूस होगी, उन्हें महसूस होती तो शायद इनका हाल खबर लेने आते। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक विशु भगत व उनकी टीमों ने पूरी तरह से इन लोगों की मदद की है। इतना बड़ा शहर मुमरा है, अगर गिनती के लोग भी आगे आते तो शायद आज जो ये मजदूर मजबूर लोग बेबस होकर यहाँ पर बैठे हैं, बैठे बैठे रात गुजारे हैं, इनको इतना महसूस नहीं होता। लेकिन कौन पूछेगा, बहरहाल जैसे तैसे लोगों ने स्टेशन पर रात गुजार दिया है। घर का सदमा तो है ही, लेकिन वो कीमती सामान का भी है सदमा है। इतना बड़ा शहर मुमरा है, अगर गिनती के लोग भी आगे आते तो शायद आज जो ये मजदूर मजबूर लोग बेबस होकर यहाँ पर बैठे हैं, बैठे बैठे रात गुजारे हैं, इनको इतना महसूस नहीं होता। लेकिन कौन पूछेगा, बहरहाल जैसे तैसे लोगों ने स्टेशन पर रात गुजार दिया है। घर का सदमा तो है ही, लेकिन कीमती सामान का भी सदमा इन्हें आया है। लेकिन वो सामान भी बाढ़ ने बहा ले गई है। 26 जुलाई के बाद कल का दिन भी याद रहेगा। मुमरा स्टेशन, बाबा जी पाटिलवाड़ी, चांद नगर, अमीनाबाद, MM वैली के पास के लोगों को ये दिन याद रहेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग जो है पूरी रात गुजार दिया है, 24 घंटे बीत चुके हैं अब तक जो है। हालांकि पानी का जो बहाव था, जो बाढ़ थी, वो कम नज़र आ रही है, लेकिन पानी की जो स्थिति है लोगों के घरों में, वो अभी भी बरकरार है। हम आपको और भी आगे से दिखाते हैं, क्योंकि जा नहीं सकते, पानी तो काफ़ी जो है भरा हुआ है। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो झोपड़े हैं इनके, अभी भी जो है पानी से पूरे लबालब भरे हुए हैं, पूरे झोपड़े में पानी समाया हुआ है। ये है, ये नज़ारा है जो है मुमरा स्टेशन का, स्टेशन के बगल का जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म का ये नज़ारा है, जो है आप देख सकते हैं अभी भी स्थिति बनी हुई है। पानी का जो घरों में जो घुसा है, वो पानी अभी तक
जो है स्थिति बरकरार है और फिलहाल जो बाढ़ की जो स्थिति थी वो अभी कहीं ना कहीं थमती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो लोग अभी भी जो है स्टेशन पर गुजारा कर रहे हैं, अपने कीमती सामानों को लेकर जो है स्टेशन पर गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 500 से 600 झोपड़े में रहने वाले लोग जो है स्टेशन पर उनको रहने दिया गया है, वो स्टेशन पर अपने कीमती सामान को लेकर रह रहे हैं। पूरा रात कल से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक, मतलब पूरा रात निकाले, हमारा पानी का गया नहीं, हमारा सब कुछ गया है, आंचे कपड़े से लेके हमारे पोते लोग को लेके स्टेशन पे बैठे। कितने का नुकसान हुआ है? आप बहुत घर में है, सब गया है, कुछ नहीं लाया हमने। तो यहाँ पर ऐसा पूरी रात आपने बैठे गाड़े कुर्सी पे बैठे है, बच्चे लोगो ने और ये चादर बांटा वही वड़ के सोए है और बैठे हम। खाने की भी चीज़ नहीं बची, दाल चावल है सब बिक गया। लोगों ने आपकी मदद करने यहाँ पर आए थे सब खाना पीना सब दे दिए, चाय नाश्ता वो सब मिला, ओढ़ने के लिए कंबल दिया वो सब दिया, मगर जो घर में नुकसान हुआ है वो क्या करेंगे? पहले अपने विशु आए थे, उसके बाद बाकी लोग आए थे, मगर घर में जो हुआ है वो कौन भर के देगा? इतना है कपड़ा तक नहीं हमारे बदन पे है, अब ये है उतना ही है, तो क्या करेंगे हम लोग? अभी पानी भी नहीं निकल रहा, अभी पानी भी निकल नहीं रहा है, नहीं निकल पाए, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई सब उधर ही है, सब कागज पत्र उधर ही है, इतना पानी हिल के आए हैं, बस कुछ नहीं लाए। सब आएंगे, अभी आके देखो ना, हम लोग का इतना नुकसान हुआ है, वो देखो आके खोल के देखो, चलो आ रहे क्या बता दे हम लोग घर में। 24 घंटा बीत चुका है, अभी कितना पानी भरा हुआ? अभी देख के आए ना आप, देख के आए ना, 4 फुट है अभी पानी, 4 फुट से ऊपर इतना पानी से कम है, नहीं उतना ही है, पानी गया ही नहीं है, पानी कम हुआ ही नहीं है। ये है सेट, हमारा माँ नहीं बाप नहीं न, परदेसी छोड़ के आया इधर, तुम लोग कुछ नहीं सेवा नहीं कर रहा है हम लोगों को, रात को खाना डाला पैसा खड़ा है, ऐसा ही है, छोटा छोटा बच्चा लोग का है हमारा, तो गरीब लोग को तो सारा देने का थोड़ा सा, तो भी जान बचाएगा बोलो, इसीलिए तो हम लोग सब जिनिस सब रख दिया। 24 घंटे बीतने के बाद भी जो है पानी कम नहीं हुआ है, जस के तस है, लोग जो है बेबस होकर इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, बैठे बैठे पूरी रात गुजार दी है, और सब कुछ जो है इनका उस रूम में छूट गया है, और वो रूम में सारा कुछ जो है पानी में समा गया है। बता रहे हैं अपनी मुसीबतों को, कैसे उन्होंने पूरी रात यहाँ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर गुजारी है। सिर्फ पूरी रात ही नहीं बल्कि कल सुबह से जो है इसी जगह पर अपनी सामानों को लेकर, कुछ लोगों ने तो अपनी सामान निकाला है, कुछ लोगों ने नहीं निकाल पाए हैं, वो बेबस होकर इस स्टेशन पर बैठे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने लोग जो है यहाँ पर पूरे लाइन से जो है लोग, लगभग 600 घर जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है बैठी हुई है। यहाँ लोगों का बार बार यही कहना है जो है कि जिस तरह से पानी भर गया था पूरे घर में, एक नहीं दो नहीं बल्कि 600 झोपड़े जो है पानी में समा गया, और पानी में समाने के साथ साथ जो है उनके जो घर में रखे सामान थे वो भी जो है बिखर गए, क्षतिग्रस्त हो गए, ख़राब हो गए। जो है लोगों का गुहार यही है कि अभी तक इनके लिए कोई मदद के लिए आया नहीं है। फिलहाल जो कल रात को विशु भगत जो है यहाँ स्थानीय नगर सेवा के, उन्होंने जो है यहाँ पर रिलीफ दिया था, इनको खाना वगैरह पहुँचाया था, लोग यही कह रहे हैं कि हमारे मदद के लिए कोई नहीं आया। फिलहाल ये जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबी कतार है, यहाँ से लेकर वहाँ तक के बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग जो है पूरे दिन यानी 24 घंटे हो चुके हैं लोगों ने बिताया है इसी जगह पर बैठकर। कैसे लोगों ने गुजारा होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर यहाँ से आप देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर रहे हैं। रात में हम लोग के रूम में इतना सारा पानी भर गया था, इतना बड़ा बड़ा सांप भी आए थे, फिर सर पे सामान लेके आए इधर, रात को पूरा बैठ के बच्चे लेके पूरी रात गुजारे, तो अभी उसके विषय में हम लोग सोचते हैं कुछ आप लोग का हेल्प मिल जाए तो अच्छी की बात है, कि कपड़ा बर्तन सब हम लोग का बह गया, जितना सामान था कुछ भी सामान बचा नहीं है। लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं बचा है, कपड़े से लेते हुए बर्तन हर चीज़ बह गया है, हर चीज़ जो है बिखर गया है, लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं जो है। और यहाँ तक जो है इनके लोगों के घरों में सांप निकलने लगे थे, लोग दहशत में आकर डर से इस प्लेटफॉर्म पर जो है आ गए। एक बर्तन था, कपड़ा बड़ा अपना धुलाई वाला मशीन भी था, ये सब उन्होंने ख़राब भी हो गया है,
और जो लाने वाला था वो लाया अपना, बच्चे बच्चों को उठा करके, कपड़ा पिपड़ा सब बच्चे को लेकर रात भर आप कैसे रहे हैं? बैठे हैं सब ऐसे ही, रात भर क्या करेगा, सोए नहीं आप लोग? किधर सोने को मितला है, ऐसे ही बैठ बैठ के रात बिताते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? पांच बच्चे हैं। पांचों बच्चों को लेकर इसी प्लेटफॉर्म पर इसी पर बैठे हैं हम लोग, ऐसे ही बिस्तरा बिस्तरा कुछ भी नहीं। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर बूढ़े जवान बच्चे हर कोई जो है इस प्लेटफॉर्म पर गुजारा किए हैं जो है, और इनको ये लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, इन्हें मदद की ज़रूरत है और शासन भी इनकी मदद करे क्योंकि इनके पास एक कपड़ा तक नहीं बचा है, सब कुछ बह गया है। कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी, मुमरा।